मुहूर्त में आई हूँ। सो बहुत सारी सबको बधाइयाँ देना चाहती हूँ इनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड सारी चीज़ों जिला पंचायत के लिए, और बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छा लग रहा है, और आई होप कि फिल्म बहुत अच्छी बने और स्टोरी भी बहुत अच्छी इस फिल्म की। सो ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। खेसारी जी के साथ आपने काम किया है, उनके व्यक्तित्व की खासियत क्या नजर आती है आपको? इज़ अ वेरी कॉपरेटिव एंड उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। इवन पूरी यूनिट उनके साथ बहुत हैप्पी रहती है, और जब वो सेट पे नहीं रहते हैं तब सब गुमसुम रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, बट जब भी वो होते हैं सेट पे तो लगता ही नहीं कि हम कहीं मतलब शूट करने गए हैं, या ऐसे फैमिली लगता है कि फैमिली है, और बहुत सब चिल रहते हैं, मस्त मजा करता है। सो इज़ अ वेरी कॉपरेटिव मैन एंड बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और कॉमेडियन कॉमेडी तो उनकी माशाल्लाह, मतलब कोई जवाब ही नहीं है उनके सामने, कोई भी नहीं। सो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करके, और बहुत सारी फिल्म मतलब हम करे हैं, कर भी रहे हैं साथ में, सो अच्छे हैं। ये भी पूछना चाहूँगा, आज के दौरान देख रहे हैं इतने सारे कुछ भी अवार्ड्स हो रहे हैं, कुछ भी शोज होते हैं, क्या कहना चाहेंगे इतना मतलब इंटरनेशनली मिल रहा है नाम कलाकारों को? मुझे एक्चुअली पहले तो एक्चुअली पता नहीं था, बट अभी इतनी अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, तो बहुत खुशी हो रही है कि भोजपुरी आगे बढ़ रहा है हमारा इंडस्ट्री एंड बॉलीवुड, लाइक मराठी फिल्म होती है, बॉलीवुड फिल्म है, मतलब उस लेवल पर अभी जा रहे हैं सब, एंड कोशिश कर रहे हैं हमारी हमारी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। सो बस आप प्रे करिए और इतनी ही दुआएं दीजिए, और प्रे करिए हमारे लिए, ब्लेसिंग्स दीजिए कि हम अपनी इंडस्ट्री को बहुत आगे बढ़ाएं और हमारे भोजपुरी का नाम आगे करें। तो ये भी जानना चाहूँगा कि जब भी कोई आता है मुंबई कलाकार बनने के लिए या उसका बस सपना होता है कि हिंदी फिल्मों में वो काम करें, बड़ा स्टार बने, ये कहाँ पर सही लगता है आपको? बहुत ही अच्छा है, सब लोग यही सोचते हैं कि मैं भी सोचती थी कि मैं हिंदी फिल्म में काम करूँगी, बट मैंने अपना स्टार्ट मराठी से किया, फिर गुजराती किया, फिर भोजपुरी किया, अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी में आऊँ, और हिंदी के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं कुछ नसीब हूँ कि मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, बट होपफुली मैं भी बहुत जल्द हिंदी में आऊँ। और सबकी अपना अपना एक सपना होता है कि मैं ये बनूँ, मैं वो बनूँ, मैं यहाँ जाऊँ, सो बस भगवान सबके सपने को पूरा करें। नहीं, एक्चुअली मैंने जितनी भी फिल्म की है उस फिल्म के गाने बहुत ही अच्छे चले और बहुत सुपरहिट हुए हैं, सब लोगों ने बहुत पसंद किया है, और जहाँ तक मैंने फिल्म की है उसमें कोई भी वल्गर सॉन्ग्स इतने नहीं बने हैं। सो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी फिल्म से कभी ऐसे कोई वल्गर सॉन्ग्स नहीं बने, और सब ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री को हम अच्छा बनाएं और सॉन्ग्स अच्छी लाएं ताकि सब लोग पसंद करें, पूरी फैमिली बैठ के देख सके, सुन सके, ऐसे फिल्में बन रही है। सो अच्छा लग रहा है। मेरी आने वाली फिल्म है मेहंदी लगा के रखना, जो कि खेसारी जी के साथ में, बाबरी मस्जिद, दुल्हन गंगा पार के, एंड हीरोगिरी, एंड सियार कहाँ, सो बहुत सारी फिल्में आ रही है और हम शूट करने भी जा रहे हैं। सो बस आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रहिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए। एक्चुअली खेसारी जी के बारे में मैं क्या कहूँ, भी हाल फिलहाल में हम लोगों की एक फिल्म जो थी वो काफ़ी अच्छी चली है, होगी प्यार की जीत, और हम लोग की जो जोड़ी है लोगों ने काफ़ी पसंद की, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमारी जोड़ी जिस तरीके से इस फिल्म में पसंद की गई है, आने वाली और फिल्मों में भी शायद हम लोग बहुत जल्दी नज़र आएँ। टैलेंटेड हैं नो डाउट, बहुत अच्छे सिंगर हैं उसमें भी कोई शक नहीं, और व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो काफ़ी जॉली नेचर के हैं, एक्चुअली वो अंदर से गंभीर हैं जहाँ तक मैंने नोटिस किया, बाहर से वो बहुत ज़्यादा कितने हैप्पी मूड में रहते हैं, लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ वो सोचते रहते हैं, एक्चुअली वो उनका नेचर जो है ना वो बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि भोजपुरी का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो ही रहा है, अच्छी अच्छी फिल्में अब बनने लग गई हैं, एक टाइम फेज ऐसा आया था कि भोजपुरी की फिल्में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स में चल रही थी, तो मुझे लग रहा है कि वो टाइम अभी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि बहुत अच्छी फिल्में बनने लगी हैं, हाल फिलहाल में बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स आ गए हैं जिसमें हम लोग काम करने वाले हैं, वेरी सून मैं भी कुछ फिल्म कर रही हूँ जो बहुत ही
साफ सुथरी अच्छी फैमिली ओरिएंटेड फिल्म्स हैं जो पूरी फैमिली जाके देख सकती है और एंजॉय कर सकती है। तो इस उतार चढ़ाव के जो टाइम से हम ऊपर निकल चुके हैं और मुझे लगता है आने वाले टाइम हम बहुत ग्रो करेंगे। एक अलग कम्युनिटी से होकर आगे फिर यहाँ पे पहचान बनाना कितना बड़ा चैलेंज रहा आपके लिए? मैं बेसिकली पंजाबी हूँ, मेरी लैंग्वेज भी भोजपुरी नहीं है, लेकिन जब मैंने फर्स्ट फिल्म की थी वो एज अ चैलेंज की। हालांकि मेरी जो पहली फिल्म थी वो हिंदी थी, मेरी स्टार्टिंग हिंदी फिल्म से हुई पहली नज़र का प्यार। उसके बाद मुझे नहीं लगता था कि मैं भोजपुरी कभी करूँगी, बट लेकिन कहते हैं ना कि एक अच्छा सब्जेक्ट आने के बाद लोगों के प्रेशर में कि नहीं आप वो फिल्म करो और लैंग्वेज डजेंट मैटर। मैं साउथ की फिल्म भी कर रही हूँ, मैंने इवन पंजाबी भी कर रही हूँ, इवन मैं गुजराती फिल्म कर चुकी हूँ, और मुझे लगता है कि कलाकार के लिए भाषा जो है वो मैटर नहीं करती है। लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की कि मैं इस किरदार को भी निभा पाऊँ, और कोशिश मेरी, मैं इतने साल से काम कर रही हूँ, लोगों ने पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी एक्ट्रेस भोजपुरी इंडस्ट्री में, सारी सारी पॉपुलर है, टैलेंटेड है। आप देखते हो हिंदी फिल्मों में तुलना होता है दीपिका का प्रियंका ऐसे इसका इससे, तो आप लोग कभी तुलना करते हैं उससे, क्या नो जोक होती है बात को लेकर? बीच बीच में कोर्ट वार चलता रहता है कुछ एक्ट्रेसेस में। बेसिकली मेरा किसी से ना ही कोई कुछ रहा है, पर्सनली भी नहीं रहा है। इवन हमारे जो फिल्म्स के दौरान भी हमारा तरीके का कोई कॉम्बिनेशन नहीं रहा कि तुलना की जाए किसी का। सभी टैलेंटेड हैं और ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, नो डाउट, अच्छा काम कर रही हैं और सब ने अपनी अपनी जगह बनाई है, तो मुझे लगता है कि तुलना करना बेकार है। मैंने अभी तक बायलर कहेंगे कि मैंने हमेशा अलग अलग किरदार निभाए हैं। मेरी आने वाली जो फिल्म्स है उसमें भी मैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट किरदार में नज़र आऊँगी और सब चैलेंजिंग रोल हैं। और मेरी अभी दो तीन फिल्में जो हैं कुछ फ्लोर पर हैं, कुछ फ्लोर पर जाने वाली हैं, तो होप फॉर द बेस्ट कि मैं कुछ अच्छा और अच्छा आप लोगों के लिए कर पाऊँ। थैंक यू। सबसे पहले इस चैनल के देखने वाले श्रोता जितने भी हैं सबको पैर छू प्रणाम करता हूँ। जहाँ तक इंटरव्यू का सवाल है तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि आप इंटरटेन करते हैं अपनी फिल्मों से, लेकिन हम इंटरटेनर हैं तो हम हर जगह कोशिश कर सकते हैं जो लोगों को इंटरटेन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे हर चीज़ों को जानने की कोशिश करती है हमारी पब्लिक, और हर उस बात में उनके लिए कुछ ना कुछ होना ही चाहिए ताकि उनको इंजॉय हो। क्योंकि अगर वो दो सेकंड का भी वक्त हमारे किसी भी चीज़ को देखने के लिए लगाते हैं तो वो बोर ना हो और उनको ये फील ना हो कि मैंने गलत चीज़ देख लिया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी पब्लिक को जितना से जितना इंटरटेन हो सके देते रहूँ और इनके दिल में जगह बनाने का काम करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम फौजी बनकर देश के लिए लड़े तभी हम अपने देश के लिए काम कर सकते हैं। इस दुनिया में वैज्ञानिक भी तो अपने देश के लिए काम करता है। एक फौजी लड़ता है लेकिन उसके इंटरटेन के लिए क्या होता है वहाँ पे जगह? खेसारी का गाना। कहीं ना कहीं तो मैं उनके दिल में हूँ और मेरे गाने सुनते हैं और अपना इंजॉय करके दुश्मनों का सफाया करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देश के लिए अपने जगह से, इंटरटेन की जगह से, अपनी फिल्म से, अपने गानों से कहीं ना कहीं उनके दिल को सुकून पहुंचाता हूं, ताकि वो कहीं लड़े तो दिल खोल के लड़े कि अरे यार। इसलिए मैंने गाना गाया था अभी छठ में कि अरे की चाइनीज बमवा किनी हना पापा बनोले रही हा दूरी मही बॉर्डर पर छठवा करी पाकिस्तान में उड़ी छोड़ी छोड़ी। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वर्दी पहनकर ही अपने देश की रक्षा करें। हम जहाँ हैं वहाँ से अपने देश के लिए सोच सकते हैं। हम अपने इंटरटेन की दुनिया में हैं तो हम अपने इंटरटेन से अपने फौजी भाइयों का मनोरंजन कराकर और उनको ऊर्जा दे सकते हैं। जिला चंपारण की बात पूछना चाहूँगा तो जिला चंपारण का सब्जेक्ट क्या है और किस वक्त का? जिला चंपारण आज़ादी के समय का सब्जेक्ट है। जब जिला चंपारण आज़ाद हुआ था तब उसमें एक किरदार जो है, एक भैंस चराने वाला आदमी ने क्या काम कर सकता है अपने देश के लिए, क्या कर सकता है अपने जगह के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने लोगों के लिए क्या कर सकता है, तो एक रियलिटी कहानी है
जब उन्होंने सुनाया तो मुझे लगा कि नहीं, अगर रियल है तो मैं करूँगा इस फिल्म को, और मुझे कहानी बहुत पसंद आई और मैं उसी हिसाब से इस फिल्म को साइन किया। और प्रोड्यूसर इसके बहुत अच्छे हैं, और हमारे जो लाल बाबू जी हैं डायरेक्टर इसके, उन्होंने बंगला फिल्म बहुत किया है भोजपुरी, जबकि वो हमारी मिट्टी से हैं लेकिन उन्होंने कभी भोजपुरी नहीं की, लेकिन उन्होंने हमारे बहुत सारा फिल्म देखा तो उनको लगा से नहीं मुझे, मैं उनसे पूछा सवाल कि मैं ही क्यों, बोले कि खेसारी जी आपके अंदर मिट्टी की सुगंध आती है इसलिए मैं इस कहानी को आपके साथ करना चाहता हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। बाकी कोई बात नहीं सर, ये भी कहना चाहूँगा आपसे, इतने सालों से आप काम करें भोजपुरी इंडस्ट्री में, कभी ये भी तुलना करते हैं कि जिस तरह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख हो, सलमान हो, ये लोग को जो ख्याति मिलती है, जो कंपनसेशन मिलता है, उस बारे में कभी आप सोचते हैं या वहाँ भी आप खुश हैं? मैं जहाँ हूँ अभी खुश हूँ, लेकिन मेरी पब्लिक अगर मुझे ऐसा ही प्यार करते रही तो मैं उनके हर उस दुनिया में जाकर उनके इंटरटेन करूँगा जहाँ वो बसती है, जहाँ वो मुझे देखना चाहती है, और मुझे कहीं ऊपर जहाँ जितना ऊपर भेजना है ये पब्लिक का ही काम है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इतना मेहनत करूँ कि अपने पब्लिक के दिल पे राज हमेशा करता रहूँ और उनके लिए मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। आखिर में पूछना चाहूँगा इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और सबसे बाबरी मस्जिद जो फिल्म है वो बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या सब्जेक्ट उस फिल्म का? बाबरी मस्जिद एक प्रेम कथा है, और बाबरी मस्जिद बहुत सारी गालियाँ मिली है मुझे। कारण क्या उसका, मतलब कारण लोगों को ये लगा कि कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद को मैंने एक मुद्दा उठाया है। तो देखिए कोई ना कोई हर चीज़ मुद्दा तो उठता है, लेकिन उठने के बाद उसमें हम कर क्या रहे हैं। मंदिर में पूजा करने वाला हर आदमी चोर नहीं होता, हर आदमी पुजारी नहीं होता, कुछ लोग जूता चुराने के लिए भी जाते हैं। तो हम अपने सिनेमा में क्या दे रहे हैं, जब आप सिनेमा देखेंगे तब आपको पता चलेगा, पहले आपको नहीं पता चलेगा, पहले तो आपको लगेगा ये चीज़ गलत है। हम किसी को उंगली उठा रहे हैं तो उंगली उठाने में भी बहुत सारे सवाल होते हैं, अगर मेरी उंगली आपके तरफ है तो ये तीन उंगली मेरे तरफ है, कहीं ना कहीं अगर 1% आप में गलती है तो 3% खेसारी लाल यादव में भी है। तो हो सकता है कि मैं गलत हूँ, सही हूँ, जब आप सिनेमा देखेंगे तब आपको पता चलेगा खेसारी आखिर इसमें क्या ऐसा किया है जो लोगों को ऐसा लग रहा है जो नहीं वो गलत होगा, लेकिन जब आप सिनेमा देखेंगे तो आपको पता चलेगा जिसमें गलत ऐसा कुछ नहीं है जो आपके मजहब को हमारे, क्योंकि देखिए हर वो जाति मुझे प्यार करता है और हर जाति मुझे चाहता है, तो मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूँगा जो किसी के धर्म को, किसी के मजहब को कोई ठेस पहुँचे, और मैं कतई ऐसा नहीं चाहूँगा कि मैं किसी के मजहब को ठेस पहुँचा के मैं अपना बिजनेस करूँ। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, जब आप सिनेमा देखेंगे तो आपको पता चलेगा जी मैंने उसमें किया क्या है। थैंक यू। प्रियंका जी पूछना चाहूँगा, जिला चंपारण फिल्म में खेसारी लाल जी क्या कहना चाहेंगे, खेसारी लाल अभिनेता के तौर पर, इंसान के तौर पर कैसे? पहले तो मैं सभी दर्शकों को प्रियंका पंडित की तरफ से नमस्कार, और मैं खेसारी जी की बात करूँ तो मैं रीलॉन्च खेसारी जी के साथ हुई थी, जैसे सबको पता है कि मुझे राजकुमार जी ने लॉन्च किया था जीना तेरी गली में, लेकिन फिर मैंने एक साल तक कोई काम नहीं किया था क्योंकि मैं उस समय पढ़ाई कर रही थी, मेरे 12th की एग्ज़ाम दे रही थी, और फिर मुझे रीलॉन्च हुई मैं खेसारी जी के साथ जाने मन से, फिर मैंने उनके साथ जाने मन किया जो जीता हुआ सिकंदर हीरो नंबर वन। तो बीइंग ए को आर्टिस्ट मेरे फेवरेट वो हमेशा रहे हैं, बहुत अच्छा नेचर और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। ये भी भोजपुरी फिल्म जो है देश विदेश में जा रहा है, जो शोज होते हैं फॉरेन में होते हैं, अवार्ड फंक्शन होते हैं, तो कितना खुशी, कितनी खुशी मिलती है कलाकार? बहुत ज़्यादा मिलती है। मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि गुजराती जो लोग होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हैं, बट ये भी देख के खुशी होती है कि हमारे भोजपुरी ऑडियंस भी हर जगह है, इवन इफ मॉरिशियस, मुझे आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे न्यूजीलैंड से मेरे कुछ फैंस के मैसेजेस आते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत अप्रिशिएटिंग है और बहुत अच्छा लगता है कि भोजपुरी एक्सपांड हो रहा है धीरे धीरे। और ये भी जानना चाहूँगा, लेकिन अभी भी क्या है ना कि मतलब लोग जब कलाकार होने की बात करते हैं तो हिंदी फिल्म को एक टारगेट करते हैं कि हिंदी फिल्म में काम करना। नहीं, मैंने मुझे भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन मैं बोलते हैं आई एम हैप्पी विथ माई भोजपुरी इंडस्ट्री, मैं भोजपुरी फिल्म में काम कर। नहीं देखिए, बदलाव झटके से तो नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, और अभी तो मेकिंग्स में और अलग अलग तरीके की फिल्म बन रही है, अब डिपेंड करता है कि ऑडियंस उसको कैसे एक्सेप्ट करती है। तो मैं एक बार सिर्फ अपने दर्शकों को कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ जितनी भी बड़ी फिल्में आती हैं, पारिवारिक फिल्में आती हैं जिसमें डबल मीनिंग गाने नहीं होते हैं, तो प्लीज़ आप वो फिल्में देखिए, उसे पसंद कीजिए, क्योंकि जितना आप लोग देखेंगे हम लोग चाहते हैं कि फीमेल ऑडियंस भी उतनी आए। तो मसाला वसाला के लिए एक दो गाना ठीक है, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि जितनी फैमिली ड्रामा फिल्में आ रही हैं तो ऑडियंस उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उन्होंने क्यों। तो मैं आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर फैमिली ड्रामा फिल्म है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। ये भी कलाकार के तौर पर सबसे बड़ी खुशी क्या होती है, कि मालूम चलता है कि मैं कलाकार हूँ तो क्या खुशी मिलती है उस बात को लेकर, और क्या तकलीफ होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि फैंस बेकाबू हो जाते हैं। हाँ, जैसे कि बहुत ज़्यादा दुख मुझे ये होता है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है ना कि
मैं भोजपुरी में काम कर रही हूँ, मैं भोजपुरी ऑडियंस मुझे इतना पसंद करते हैं, भोजपुरी हीरोइन की तरीके से मुझे जाना जाता है, मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी है, मेरी ऑडियंस ने मुझे आज यहाँ पहुँचाया है। लेकिन मुझे दुख भी होता है कि यही ऑडियंस में जो कुछ लोग हैं जो बहुत गंदे कमेंट्स करते हैं, बहुत गंदी बातें बोलते हैं भोजपुरी हीरोइंस को लेके, तो मैं प्लीज़ आप लोग को कहती हूँ कि हम लोग भी किसी की बेटी हैं, किसी की बहन हैं। भोजपुरी फिल्मों में काम कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारा कैरेक्टर नहीं है, कि हम बहुत ख़राब हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नज़रिया होता है। तो प्लीज़ आप सिर्फ उस नज़रिए को बदलिए। आखिर मैं ये पूछना चाहूँगा कि मतलब अभी तक अचीवमेंट क्या, उस अचीवमेंट को लेकर कितनी खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, आगे क्या करना चाहते हैं? मैं बहुत खुश हूँ मेरी अचीवमेंट्स को लेकर, जैसे कि पूरी इंडस्ट्री सब लोग जानते हैं कि मैं बहुत कम टाइम में सडनली मेरा नाम हुआ है, लोग मुझे जानने लग गए। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है कि मेरे जितने भी आप लोग, जितने मीडिया लोग हो, बहुत सपोर्ट मुझे आप सब लोगों से हमेशा रहा है। और अभी न्यू कमर्स में देखा जाए तो मैं अपने काम से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ, और थोड़ा स्लो कर रही हूँ, बट आई एम हैप्पी विथ माई वर्क। थैंक यू।